तो आज कौन कौन सी सब्जी है? और कद्दू है। बहुत सही। जो टेस्ट है उसको बताया जाए कि जेन्युइन वाला है कि जेन्युइन वाला है कि नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। हेलो बुडीज, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल प्रयाग चटोरे। जी हाँ, आज फिर से हम लोग सुबह निकल चुके हैं एक नए नाश्ते की ओर, नया टेस्ट दिलाने आपको। जी हाँ, आए कहाँ पे हैं, क्या चीजें ट्राई करने, सब कुछ बताते हैं। बात करें लोकेशन की तो लोकेशन है पनीर चौराहा। पनीर चौराहा से थोड़ा सा आप आगे आते हो तो मिल जाती है पंडित जी की दुकान। जी हाँ, ये वही पंडित जी जिनकी हम लोग ने लॉन्ग लगते वाली वीडियो बनाई थी, वीडियो आई बटन पे आ रही होगी। तो अब जल्दी चलते अंदर और दिखाते क्या चीजें हैं, कैसे प्रेजेंट हो रही है सब। जलेबी गरम गरम भाई साहब, और संडे हैप्पी संडे वाला सीन होता है, तो जल्दी से आप ट्राई कर लेते बिना किसी देरी के। साथ में लेते दही। एकदम क्रिस्पी सी जलेबी है, साथ में दही है, काफी परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे दे रही है। तो एक बार जरूर ट्राई करना, वो भी सुबह सुबह, तो मजा जरूर आएगा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है, मैदा तो नहीं डला रहता, मैदा पे मिक्स रहता है क्या? अच्छा, आटे की रहती है, पांच कचौड़ी रहती है। तो मुझे अभी पता चला भाई साहब, जलेबी खाते खाते यहाँ पे कचौड़ी भी मिलती है। जी यहाँ कचौड़ी भी मिलती है। तो भाई साहब मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की कचौड़ी ट्राई की जाए, साथ में जो टेस्ट है उसको बताया जाए जेन्युइन वाला है कि नहीं है। तो भाई साहब इलाहाबाद में जो चीज होती है, हर एरिया का अपना स्वाद होता, तो यहाँ का भी ट्राई करते तो बताते कैसा है। फील कुछ इस टाइप से रहता है, ओल्ड स्कूल टाइप की शॉप रहती है। जी हाँ, ओल्ड स्कूल टाइप की शॉप है, साथ में अंदर भी सिटिंग एरिया रहता है, जैसे कि देख पा रहे हो सिटिंग एरिया अंदर भी रहता है। साथ में यहाँ पे देखो जलेबी एक साइड पे छनती है, और ये होती है इनकी सब्जी। तो कभी सब्जी चेंज भी होती रहती है अंकल जी। तो आज कौन कौन सी सब्जी है? और कद्दू है। बहुत सही। कचौड़ी सब्जी की प्लेट लग चुकी है। जी हाँ भाई, देखने में तो काफी मजेदार लग रही है, सुबह सुबह का नाश्ता होए 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 भाई, मजा आ जाती। तो इसमें आपको मिलती है यानी कचौड़ी जो कि आटे की रहती है, मैदे का कोई यूज नहीं है। साथ में मिलती है कद्दू जिसे बोलते हैं सीताफल, और साथ में परवल आलू की सब्जी। भाई टैग करके बताना, किसी को कमेंट करके बताना किसको परवल आलू की सब्जी अच्छी लगती है। देखिए मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छी लगती परवल आलू की, बाकी ट्राई कर लेते हैं। और ये आप पूरी आप बोलो जब क्रिस्पी है, और साथ में इसमें मतलब घी वाला फ्लेवर नहीं है, देसी घी वाले पिछली वीडियो में देखा उस टाइम सीम नहीं है, बाकी ट्राई करके बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वही कद्दू से। कद्दू को जो काफी लोग सीताफल भी जानते होंगे सीताफल के नाम से, तो एक बाइट लेते हैं जल्दी से। कद्दू मतलब काफी अच्छा चटपटा है, साथ में पूरी का जो मोइन होता है पूरी काफी एकदम घर वाला फ्लेवर आ रहा है। साथ में परवल आलू सब्जी ट्राई कर लेते हैं। जो टेस्ट है काफी अच्छा है। इवन अगर बात करूं मैं इनकी जलेबी की, तो जलेबी मतलब 10 out of 7 ही हुआ, और साथ में कचौड़ी सब्जी को भी। पैटर्न में लगा चीज मिल रही है, 5 कचौड़ी 2 सब्जी मिल रही है,
साथ में मेरी ओनर आपसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि रायता भी जमा नहीं है, रायता भी किताब में मिलता है, तो पैकेट में और क्या ही चाहिए भाई साहब। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कॉमेंट शेयर करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।